कानून की नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, यह बात एक बार फिर साफ हुई है। आज दो राज्यों के दो मंत्रियों को जेल की सजा सुनाई गई है। एक मंत्री पंजाब से हैं तो दूसरे तमिलनाडु से। पंजाब से कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अमन अरोड़ा समेत 9 व्यक्तियों को सुनाम अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई है, तो दूसरी तरफ तमिलनाडु से उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी को मद्रास हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में 3 साल की सजा दी है। पंजाब के मंत्री अमन अरोड़ा को सजा क्यों सुनाई गई है, चलिए पहले इस बारे में आपको बताते हैं। यह मामला 2008 का है। दरअसल अमन अरोड़ा के बहनोई राजेंद्र दीपा ने अदालत में करीब 15 साल पहले यह शिकायत दर्ज कराई थी कि अमन अरोड़ा और उनके साथियों ने उनके घर में घुसकर हमला किया था। उस समय अमन अरोड़ा और राजेंद्र दीपा दोनों ही कांग्रेस में थे। तब दोनों के बीच की सियासी दुश्मनी चरम पर थी। हालांकि अब दोनों ही नेता अलग अलग पार्टियों में हैं और वे कांग्रेस छोड़ चुके हैं। अमन अरोड़ा जहां आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री हैं, वहीं राजेंद्र दीपा अकाली दल के महासचिव पद पर हैं। अब जान लीजिए कि तमिलनाडु के मंत्री के पोनमुडी को क्यों सजा मिली है। मद्रास हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार से जुड़े मामले पर उन्हें सजा सुनाई है। हाईकोर्ट ने उन पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल पोनमुडी पर आरोप है कि डीएमके के शासन में 2006 से 2011 के बीच मंत्री रहते हुए उन्होंने अपने और अपनी पत्नी के नाम पर 1.75 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की थी, जो आय के ज्ञात स्रोतों से ज्यादा थी। हाईकोर्ट ने निचली अदालत की तरफ से पोनमुडी को बरी करने के फैसले को पलटते हुए ये सजा सुनाई है। वहीं पोनमुडी की पत्नी पी विशालाक्षी को भी 3 साल की सजा मिली है। मद्रास हाईकोर्ट ने पोनमुडी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी पाया था। सजा सुनाए जाने के साथ ही पोनमुडी की विधानसभा की सदस्यता भी समाप्त हो गई है और उनका मंत्री पद भी चला गया है। आम आदमी पार्टी और डीएमके के दो मंत्रियों को सजा सुनाए जाने के बाद अब ये दोनों पार्टियां बीजेपी के निशाने पर आ गई हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।